फायरबोट स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कैसे कनेक्ट करिए। सो गाइस, क्या आप लोग भी अपनी फायरबोट स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास भी फायरबोट का स्मार्ट वॉच है और आप लोग इसको अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? हाउ टू कनेक्ट फायरबोट स्मार्ट वॉच मोबाइल फोन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा। एक ही ट्रिक से आपके जो भाई फायरबोट स्मार्ट वॉच है वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगी। और मोबाइल फोन से कनेक्ट होने के बाद कोई भी आप वॉलपेपर या किसी भी चीज को आप डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अपने मोबाइल फोन से आप इजीली करोगे अपनी फायरबोट स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो चलिए गाइस, वो ट्रिक वो मेथड आपको बताते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है अपने फायरबोट स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से। फायरबोट स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट करें, कैसे जोड़े। सो गाइस, क्या आप लोग भी अपनी जो फायरबोट स्मार्ट वॉच है वो अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, कैसे वॉलपेपर को चेंज करोगे, ये सारी चीज आप कैसे एडिट कर सकते हो, टाइम डेट सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, हाउ टू कनेक्ट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट मोबाइल फोन। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अपनी स्मार्ट वॉच जो है, आपको फायरबोल्ट वाली जो स्मार्ट वॉच है, चाहे वो कोई सी भी टाइप की हो, कोई सी भी कंपनी की हो आपकी फायरबोल्ट की, और कोई सा भी वर्जन हो, कोई सा भी मॉडल हो, अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो उसको अपने मोबाइल फोन से तो कैसे करोगे, वन क्लिक में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे भाई, आपको अपनी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले देखो, आपको अपनी फायरबोल्ट जो स्मार्ट वॉच है उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाना, वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले अपनी जो स्मार्ट वॉच है फायरबोल्ट की, वो आपको साइड में रख देनी है। फिर आपको करना क्या है, आपको जो अपने मोबाइल फोन स्क्रीन पे आना है, ठीक है, मोबाइल फोन स्क्रीन पे आना है। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तभी आपका जो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा। तो वो एप्लीकेशन कौन सा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहां से डाउनलोड करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कनेक्ट करना होगा, कैसे वॉलपेपर चेंज करना होगा, कैसे गेम्स डाउनलोड करने होंगे, ऐप्स डाउनलोड करने होंगे, अगर आप कनेक्ट करके अपनी स्मार्ट वॉच को कुछ भी डाउनलोड या प्ले करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को कैसे कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल फोन से, सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। यहां पे प्ले स्टोर पे आने के बाद देखो, आपको स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल फोन पे कैसे करना क्या है, तो यहां पे देखो सर्च बार ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है। तो मेरे भाई, सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है DAFIT, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, तभी आपको जो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट होगा आपके मोबाइल फोन से, ठीक है। तो ये वहां पे करना क्या है, ये सबसे पहले देखो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। करने के लिए देखो, आपको सबसे पहले ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, इसी एप्लीकेशन से आपको जो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट होगा, यानी कि आपके स्मार्ट वॉच से जुड़ेगा, लिंक होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हमारे जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और कोई सा भी फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच हो आपके पास, कोई सा भी, और कोई सा भी मॉडल हो, अगर आप लोग भी अपनी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से तो कैसे करोगे, तो बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो मेरे भाई, 3 से 4 मिनट का वीडियो आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखो हमारा डाउनलोड हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद अब हम यहां पे कैसे अपनी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फोन से वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करोगे तो यहां पे देखो आपको डन वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने जेंडर प्रोफाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देख सकते हो स्टार्टिंग में ऐड ए डिवाइस का, ठीक है, ये देख सकते हो ऊपर मिल रहा है ऐड ए डिवाइस, यहीं से आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो ऐड होगी, जुड़ेगी आपके फायरबोल्ट वाले, ठीक है। यहां पर आपको क्लिक करना है ऐड ए डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे अलाउ करोगे तो यहां पर देखो सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, यहां पर सर्चिंग जो आपके स्मार्ट वॉच है वो सर्चिंग होगी, और लोकेशन आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करोगे तो ये यहां पे ये आपकी फायरबोल्ट जो स्मार्ट वॉच होगी उसका नंबर आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो ये वाली स्मार्ट वॉच मेरे पास है। तो ये वाली स्मार्ट वॉच देखो यहां पर सिंपल सा आ चुकी है मेरे मोबाइल फोन पे, तो आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। अब करना क्या है देखो, यहां पे दो डिवाइस अभी कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो यहां पे देखो, पहले वाला जो आपका वो स्मार्ट वॉच दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, जो भी आपका स्मार्ट वॉच का नंबर है फायरबोल्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर आएगा, ये देखो पर्सनल कुछ परमिशन आपसे बोलेगा, तो उसको आपको यहां पर डन कर देना है, ठीक है, सेट मत करना, डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो आपकी जो स्मार्ट वॉच से आपके जो मोबाइल फोन से स्मार्ट वॉच कनेक्ट होगा, ठीक है। देखो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है वो यहां पे कनेक्ट हो जाएगी आपके मोबाइल फोन से। अब कनेक्ट हो गई है, अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहां पर मिलेंगे, देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच का ऑप्शन आ रहा है, देखो आपकी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच है, ये देखो आपकी बैटरी परसेंट भी बता रहे कितनी है, और यहां पे वॉलपेपर सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन, अलार्म, शूटर, ई कार्ड, सब कुछ आप कर पाओगे। अब मेरे भाई, आपको जो फेवरेट वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको अपनी स्मार्ट वॉच के ऊपर सेट करना है आप इजीली यहां से सेट कर सकते हो। जो भी फोटो आपको सेट करना है, जैसे कि आपको खुद का फोटो सेट करना है, यहां पे आपको चूज फॉर गैलरी पे क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको मैं एक फोटो सेट करके दिखा देता हूं, ये मुझे फोटो लगाना है, इस पर क्लिक कर देना है।
जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्विचिंग बैकग्राउंड आपका जो ये एप्स है, ये मतलब कि जो भी फोटो है ये देख सकते हो स्मार्ट वॉच के ऊपर इजिली लग जाएगा, डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो कोई सा भी आप लगा सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है इजिली आप सेट कर सकते हो वन क्लिक पे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हो फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को, इजिली है, सिंपल है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद जो भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव करना है अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का, वो भी आप यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन में जाकर सेट कर सकते हो। इसी तरह से आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाते हैं, अलार्म का, शूटर का, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, इस तरह से आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपने भाई यहाँ पे सिंपल अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट करने आप लोग सीख चुके हो तो मेक श्योर लेना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। मेरे भाई ये सिंपल सा आपको मेथड लगाना है अपनी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए। जो सिंपल मेथड मैंने आपको बताया स्टेप स्टेप आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है। चाहे आपके पास फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच का कोई सा भी मॉडल हो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपकी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो चुकी है तो मेक श्योर कर लेना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों यहाँ पे।